कि आज बसंत पंचमी का स्नान है। निरंतर तस्वीरें हम आप लोगों को माघ मेला से संबंधित, चाहे वो तैयारियों की रही हो या फिर माघ मेला के प्रमुख स्नान रहे हो, सबकी तस्वीरें दिखाते चले आए हैं। आज हम फिर से त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं, मेला है और संगम में हम डेली स्नान कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दीन दुनिया से बिल्कुल हटके अलग हो गए। हाँ, जिनके दर्शन आपको कभी नहीं करने को मिलेंगे वो यहाँ प्रयागराज में आके आपको एक साथ बहुत सारे सब। इसके बाद आप आना चाहेंगी? हाँ, मैं अब हर साल आऊंगी। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ आरके निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मौजूद है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में माघ मेला 2024 का आयोजन चल रहा है। दोस्तों बता दें कि आज बसंत पंचमी का स्नान है। निरंतर तस्वीरें हम आप लोगों को माघ मेला से संबंधित, चाहे वो तैयारियों की रही हो या फिर माघ मेला के प्रमुख स्नान रहे हो, सबकी तस्वीरें दिखाते चले आए हैं। आज हम फिर से त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मौजूद हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो दूर दराज से तमाम संत महात्माओं की उपस्थिति होती है, दूर दराज से आए हुए तमाम श्रद्धालुओं की, कल्पवासियों की उपस्थिति होती है, दरअसल वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं और कहाँ ठहरते हैं, वो सारी गतिविधियाँ आज आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो संत महात्मा होते हैं वो किस तरह से शिविर का आयोजन करते हैं, साथ ही दूर दराज से जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए रहने की, ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो वो सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम बता दें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं या सेक्टर नंबर दो में आप देख पाएंगे श्री कृपा सिंधु हनुमान मंदिर, श्री महंत श्री रघुशरण जी महाराज जी हैं। इनका पता है काली सड़क त्रिवेणी बांध प्रयागराज, यहाँ पर है। और इनके बारे में और जो तमाम जानकारियाँ हैं वो भी संबंधित शिविर के तमाम जो कार्यकर्तागण हैं, जो भक्तगण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल इस शिविर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई भी श्रद्धालु या कोई भी भक्त यहां पर आता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। सबसे पहले तो यहां से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर हवन कुंड बनाया गया है। पाएंगे इधर पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर इन्होंने मंदिर बना रखा है। और आगे बढ़ते हैं, तमाम महिलाएं, बूढ़े बच्चे, जवान यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर निरंतर जो ठहरने की और भोजन पानी की वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। क्या कुछ किया गया है वो अभी हम आपको दिखाने का काम करते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे मिलाने का काम करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि दरअसल वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्तगण हैं, उनको लेकर वो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर करते हैं या फिर क्या कुछ उनके द्वारा यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखाने का काम करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज 24 में। जय सीताराम भैया जी। महाराज जी, जैसा कि प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2024 का आयोजन हो रहा है, तो पहली बार आगमन हुआ या फिर लगभग कितने वर्ष से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे 23-24 साल हो गए, 24-25 साल। 24-25 साल से यार, मूलतः कहाँ के रहने वाले महाराज जी? मूलतः जन्मभूमि हमारी जो है यही है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कहाँ, कमासिन गांव। और वैसे महात्माओं का जो है मूल नहीं देखा वो, जाता वो ठीक है, लेकिन जो हमारा कार्य क्षेत्र तप क्षेत्र दिल्ली ही है। दिल्ली? हाँ। मतलब यूपी से चलकर महाराज जी दिल्ली पहुंच गए? हाँ जी, दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? वृंदावन रहा हूँ काफी दिनों तक। अच्छा, दिल्ली में महाराज जी कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में सुंगरपुर रहता हूँ, सुंगरपुर दिल्ली 36 में गांव है, बख्तावरपुर के पास। अच्छा, जैसा कि आपका शिविर यहाँ पर लगा हुआ है माघ मेला में, तो कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से जो आपके अनुयायी है, जो आपके भक्त हैं, वो यहाँ पर पधारे? दिल्ली हरियाणा से बहुत सारे भक्त आते हैं जो हमारे साथ ही आना शुरू हुए, उसके पहले वहाँ से कोई भी आया नहीं था। जब हम आना शुरू हुए तभी वो हमारे साथ करीब हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, हमारे जो भक्त यहाँ आना शुरू हुए वो सब बिल्कुल नए हैं।
जो प्रयागराज कभी नहीं आते थे और उनके बड़े लोग भी नहीं आए हैं कभी, वही आना शुरू किए। अच्छा अच्छा। जो व्यवस्था समिति है वो बिल्कुल केवल व्यवस्था समिति के नाम पर एक कलंक है, नाम मात्र की है जी। उनको ना राष्ट्र से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है, ना उनको इस महानतम संस्कृति, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी मौनी अमावस्या पर 500 भक्त आए थे जो करवट भी नहीं ले पाए, और कई संस्थाएं बिल्कुल खाली हैं, उनका भी बड़ा बड़ा जो लगा रखा बिल्कुल खाली था। आप मौनी अमावस्या पर आकर हमारी रिपोर्टिंग करते, आज बारिश होने के कारण भीड़ नहीं हुई, नहीं तो हमारे लिए सबसे बड़ी अव्यवस्था हो जाती, जबकि हम सभी से, कोई भी भक्त आकर यहाँ रहे उनसे निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है, और ये नहीं कि कोई हमारे परिचित है वही आकर रुके, यहाँ कोई भी अगर हमारे पास जगह है तो हम उनको रुकाते हैं बिल्कुल ठहरने की, और ना जगह हो ना हो तो भी बड़ी परेशानी से, क्योंकि हमारे भक्त सबको मने अपने अंदर समाहित करते हैं, खुद कष्ट उठाकर जो आने वाले भक्त हैं उनके अंदर भी ऐसे ही संस्कार है कि और कम जगह में रहकर बैठ करके भी रात्रि बिताते हैं, और ये व्यवस्था समिति वालों को मालूम है, उसके पश्चात भी उन्होंने हमारी जगह 40 फुट कम कर दिया, और ये बिल्कुल कलंक है। अगर आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो यहाँ की खाक चौक की व्यवस्था समिति बिल्कुल भंग होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास न तो कोई विचार है और न इनके अंदर कोई ऐसी लगन है, ये केवल एकदम मनमुखी, क्योंकि महात्मा होकर महात्मा के नाम पर ये सब कलंक है, केवल अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए, और ये व्यवस्था समिति बनाए ऐसे लोग जो है घुसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे, अगर मेला प्राधिकरण के तहत हो जाए तो यहाँ के सारे संत सुखी हो जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति में दम है, हमारी संस्कृति देखावटी है, बनावटी है, मनमुखी नहीं है, हमारी संस्कृति पूरे मानव मात्र के लिए है, यहाँ कोई भी आएगा उसको यहाँ शांति जरूर मिलेगी। ये गंगा मैया का जो है ना यहाँ की महिमा है, क्योंकि ये जो भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है, ये यज्ञ भूमि है, यहाँ अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं केवल इस भूमि में आ जाते हैं तो यहाँ का प्रभाव आपको दिखाई देगा, आपके मन में जो शांति अन्यत्र हजारों साल जप करने के बाद, साधना करने के बाद जो प्राप्त होता है वो इस भूमि पर केवल आने मात्र से प्राप्त हो जाता है, ये है इस भूमि की महिमा। तो दोस्तों बता दें, जैसा कि अभी हम महाराज जी से वार्तालाप कर रहे थे, आइए चलते हैं बाहर और तमाम जो महाराज जी के द्वारा बताई गई व्यवस्थाएं हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं कि दरअसल जिस तरह से महाराज जी बता रहे हैं कि जो यहां पर हमारे भक्तगण आते हैं, जो हमारे अनुयायी आते हैं, उनको रहने की किस तरह से दिक्कतें होती हैं और अपनी समस्या तो उन्होंने बताया, तो आइए चलते हैं बाहर और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा आप लोगों को करवाते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे तमाम श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दोस्तों बता दें कि या दिल्ली का शिविर है, यानी कि दिल्ली ही छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने से, प्रत्येक राज्यों से, प्रत्येक जिलों से चलकर लोग बाग इन दिनों प्रयागराज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दोस्तों ये तो रही अपने देश की बात, मैं बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में लगने वाले प्रत्येक वर्ष के माघ मेले में, चाहे वो माघ मेला हो या अर्धकुंभ हो या महाकुंभ हो, विदेशी पर्यटकों का, विदेशी सैलानियों का भी यहाँ पर जो है आगमन होता है और वो भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अधीन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोग बाग आए कहाँ से हैं और कब से इनका शिविर चल रहा है और कब तक रहेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, लेकिन मैं रहता मुंबई में हूँ जी। तो मैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र प्रॉपर, महाराष्ट्र एकदम महाराष्ट्र से, बिल्कुल वहाँ पे वहाँ से आए हैं और जब से शुरू हुआ है तब से आए हैं, और यहाँ माघ में इतनी अच्छी व्यवस्था जो है गुरुजी की वजह से होती है कि आपको रहना खाना सब मुफ्त में। जो आप गुरुजी, आपके कहाँ के रहने वाले गुरुजी? तो वैसे उनका निवास जो उनका, उनकी पैदाइश प्रतापगढ़ की है, लेकिन उनका पूरा कार्य क्षेत्र जो है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा उस तरफ जो है थोड़ा सा नशा वगैरह का एक है, तो गुरुजी उस पर बहुत काम कर रहे हैं। हरियाणा, हरियाणा पहलवानों का गढ़ है, पहलवानों का गढ़ है, लेकिन जो थोड़ा सा युवा है वो, तो इसलिए गुरुजी का जो काम है वो समाज के अंदर हर क्षेत्र में लोगों को कैसे भी ठीक ठाक किया जाए। आपकी इस बात को मैं नकारता हूँ, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की अगर बात करें
तो दूध दही और घी पर जीने वाले लोग होते हैं। चलिए और कुछ लोग बागे, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम करमवीर जी है। सब भाइयों को और सब मेले में पधारे हुए भक्तों को मेरा जय सीताराम। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम बचपन से इन हमारे गुरुजी जो हमारे गांव में करीब 17-18 वर्ष के आए थे, उसके बाद उन्होंने हमारे गांव को बहुत कल्याण किया। उन्होंने बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे उसमें लेके गए। तो और करीब करीब 20-22 साल से ये हमारा गुरुजी का शिविर लगता है। और इसमें कोई भी देश से या कोई भी आए, उसके लिए सब कुछ, खाना, रहना, सोना सब फ्री। क्या नाम है आपका? बलराम चौहान। कहाँ से हैं बलराम? सुंगरपुर, दिल्ली 36। अच्छा, दिल्ली से। और जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने 3 साल 3 महीने 13 दिन हमने इनके लिए गुफा बनाई है, उसमें तपस्या की है। गुफा आपने बनाई है? हाँ जी, पूरे गांव ने बनाई है, मिलकर बनाई। बिल्कुल, पूरे 2-3 गांवों ने मिलकर बनाई है वो गुफा। मनुष्य के दर्शन है ना, कोई खाना पीना है, खाली पानी, खाली पानी और दूध। और ये बिल्कुल अंदर रहे हैं, वहाँ पे बैल बजाते थे, घंटी थी, एक घंटी बजा के पर्ची देते थे क्या सामान इनको चाहिए, वो बाहर से दिया जाता था, ना कोई फल। क्या महाराज जी बोलते नहीं? नहीं बोलते, अब तो बोलते हैं, उस टाइम पे मौन धारण किए, धारण था 3 साल 3 महीने 13 दिन। आप ये देख लो, जन कोई भी आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल दिखाने काम करेंगे, दिखाने काम करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लोग बाग है, जो दूर दराज से आए हुए जो भक्तगण हैं, वो यहाँ पर प्रसाद पाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और दोस्तों बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2024 के हैं, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो श्रद्धालुगण होते हैं, वो अपनी आस्था और भक्ति के अधीन कुछ इस तरह से दूर दराज से चल कर यहाँ पर पधारते हैं और भोजन प्रसाद ग्रहण करने का काम करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ईशु। कहाँ से हैं ईशु जी आप? दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं? हाँ। अच्छा, सब दिल्ली से ही हैं कि अलग अलग जगह? दिल्ली से हम करीब 24-25 लोग तो एक साथ आए हैं। अच्छा अच्छा, तो शुरू से ही आपका आना हुआ या फिर अभी बीच में आना हुआ आपका? मैं पहली बार आई हूँ प्रयागराज। पहली बार आई हैं? हाँ। अनुभव बताइए अपना। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, करीब हम 6 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सारी टेंशन से बिल्कुल एकदम दूर है। नया क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं, मेला है और संगम में हम डेली स्नान कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, दीन दुनिया से बिल्कुल हटके अलग हो गए। हाँ। अच्छा, ऐसा मेला कभी देखी थी इससे पहले आप? नहीं, कभी नहीं। तो जो 2-2.5-3 महीने लगातार चलता हो, लाखों करोड़ों की? कभी नहीं। और क्या यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ जानकारी आपको मिली कि क्यों यह जगह प्रसिद्ध है, क्यों उसको इतनी मान्यता दी जाती है? क्योंकि भारत का यह सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है आस्था का, और इसको जो है ऐसे में तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का राजा प्रयागराज। प्रयागराज, तो प्रयागराज की जो अद्वितीय महिमा है वो यही है जो यहाँ पर आने के बाद आपने देखा। हाँ, यहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारे संत महात्मा देखने को मिलेंगे, सबके जिनके दर्शन दुर्लभ है। जिनके दर्शन आपको कभी नहीं करने को मिलेंगे, वो यहाँ प्रयागराज में आके आपको एक साथ बहुत सारे सब। इसके बाद आप आना चाहेंगी? हाँ, मैं अब हर साल आऊंगी। अच्छा, चलिए माता जी से बात करें। क्या नाम हुआ माता जी? आप माता जी क्या नाम हुआ? इधर फिर बातचीत आप बाद में कर लीजिएगा, हमसे बात करें। क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? जलधारा। जलधारा, अरे वाह, त्रिवेणी संगम की जलधारा। हाँ जी, क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखिए, आपका नाम है जलधारा और जिस जगह पर आप मौजूद हैं यह अविरल और यहाँ पवित्र जलधारा का केंद्र है। गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ पर अद्वितीय मिलन होता है, है ना? वैसे मैं आपका नाम भी है जलधारा। हाँ जी। तो प्रसाद पा रही, प्रसाद में क्या क्या है जरा बताएं? छोले है, खीर है, खीर है, पूरी है, पूरी है, मिर्च है। अच्छा। हाँ। प्रसाद स्वादिष्ट है बहुत ज्यादा। हाँ जी, चलिए ठीक है। दोस्तों आइए हम इधर बढ़ते हैं, चलिए इधर भी बातचीत करते हैं, शायद इनका भोजन हो चुका है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। तो बिहार से भी जो है अनुयायी हैं महाराज जी? जी जी, उनके लगाओ बिहार से भी हैं। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आना हुआ? इससे पहले भी कभी आए? इसके पहले में आए हैं बड़ा कुंभ में। अच्छा अच्छा, जब भी आते हैं महाराज जी के पास जो है रुकना होता है, व्यवस्थाएं यहाँ की कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ का है, हम लोग पति पत्नी। चलिए ठीक है। माता जी आपका क्या नाम हुआ? प्रेमवती। कहाँ से हैं? हरियाणा। बिहार ना बताइए, हरियाणा से। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी कभी आई हैं? एक बार आई बड़े कुंभ में। अच्छा अच्छा,
तो यहाँ आने के बाद कैसा महसूस करती? बहुत अच्छा महसूस आ रहा है। ना जाए यहाँ से, घर बनवा लीजिए, रहती है बस ये घर ही है हमारा, सब सब चीज की महाराज जी ने सेवा दे रखी है। चलिए ठीक, और बहुत बुजुर्ग है बिचारी। माता जी कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश से आ गई है। मध्य प्रदेश में आप पड़ोसी जी, पड़ोसी राज्य से हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल होशंगाबाद के बीच में। अच्छा, भोपाल के, मतलब भोपाल के नजदीक से। पहली बार आना हुआ है? नहीं, हम तो चार छह बार हो गए। मध्य प्रदेश के लोग तो वैसे भी आते जाते रहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। महाराज जी से लगाव कब से है आपका? हमें कम से कम 10-15 साल हो गए। 15 साल से? तो हर साल आप इसी तरह आते हैं? कभी कई साल नहीं भी आता, मैं 2 साल नहीं आया कोरोना में। चलिए ठीक, इधर 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 चलें। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार गौर। कहाँ से हैं? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हैं। चलिए ठीक है, आप तो हमेशा आते जाते? मैं 32-35 साल से आ रहा हूँ। लगातार? लगातार। परिवर्तन बताइए इससे पहले के और आज में? अरे बहुत परिवर्तन बढ़ते ही जा रहा है यहाँ। हाँ, बढ़ते ही जा रहा है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ दोनों किए मैं। हाँ। 3-4 कुंभ दिव्य में भी रहा यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे लोग बाग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि कोई निर्धारित राज्य या कोई निर्धारित जिला नहीं है, अलग अलग जिले से और अलग अलग राज्यों से चलकर लोग बाग आकर यहाँ पर कुछ इस तरह से भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये चावल है और इसको खोलें जरा, इसमें क्या है? इधर छोला है, इधर ताजी ताजी कचौड़ियाँ बन रही हैं, या आप देख पाएंगे इधर कारीगर लगे हुए हैं, ये निरंतर जो है बना रहे हैं। दोस्तों बता दें कि यह तस्वीरें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये धर्म आस्था आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज की है। और प्रयागराज की अगर बात करें, 3 दिनों माघ मेला 2024 का आयोजन हो रही है। ये क्या है? खीर, खीर प्रसाद। खीर, खीर प्रसाद। अच्छा, ये कितनी खपत हो जाती है एक दिन में? 200-250 किलो। 200-250 किलो? 300 किलो, 400 किलो तक। खीर, 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 खीर बढ़ता हमारा। छोटा बच्चा है हमारे साथ, क्या नाम हो बाबू? विनीत गुप्ता। कहाँ से है? कमासीन। कमासीन चित्रकूट? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कमासीन, चित्रकूट में भी कमासीन है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, है ना? तो आप प्रतापगढ़ से हैं? यस। पहली बार आना हुआ बेटा आपको? नो। हमेशा आते जाते हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। स्कूल जाते हैं? यस। तो यार आप तो यहाँ हैं, फिर स्कूल कौन जाता होगा? स्कूल कौन जाता होगा आप तो यहाँ? छुट्टियाँ लेकर आए हैं ना। अच्छा, छुट्टी लेकर आए हैं। टीचर, टीचर ने पूछा होगा कि छुट्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं? यस। आपका क्या नाम हुआ? बेबी देवी। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से? हाँ। अच्छा, अभी बातचीत किए? हाँ, हाँ, क्या बात है, बिहार से। एक बिहारी सब बिहारी, क्या बात है। आइए आइए बाहर चलते हैं। और दोस्तों एक तस्वीरें इधर की, थोड़ा सा योगीश कहेंगे, एक तस्वीर इधर की दिखा दें। इसी तरह अपने भक्ति में मगन रहती हैं ये माताएं, और आप देख पा रहे होंगे दिन भर जो है कोई काम तो है नहीं, बस भगवान का गुणगान करना है और उनकी भक्ति में मगन रहना है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। आइए स्टोर रूम भी दिखाते हैं आप लोगों को। ओह क्या बात है, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? दावत कंपनी का चावल है हमारा। ये चावल है? ये दावत कंपनी का चावल है। अच्छा, ये जितने पैकेट लगे सब चावल है। चावल है। और इधर, इधर दाल लगा हुआ सब। हाँ, चना मसूर अरहर, क्या बात है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए ये इनके मसाले हैं, ये खड़े मसाले, ये सब मसाले हम दिल्ली से अपना ऊपर बिल्कुल एक नंबर खरीद के, क्या बात है, करके लाते, क्या बात है दोस्तों। और ये देखिए पूरा मसाला से भरा इनका ये डिब्बा। कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में जो आयोजन होता है, चाहे वो माघ मेला का हो, अर्धकुंभ या महाकुंभ का हो, तो दोस्तों बता दें कि अगर पूरा माघ मेला अगर एक बार कलेक्शन कर ले तो मैं तो समझता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दरअसल रात्रि में कैसे लोग बाग रहते हैं, उनके रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अरे काफ़ी बड़ा है भाई साहब, यहाँ तो हजारों लोग आ जाएंगे। और देख ये व्यवस्थाएं, जो गद्दा गद्दा वगैरह कंबल वगैरह ये सब व्यवस्थाएं लेकर आते हैं श्रद्धालु, या सब गुरु जी की तरफ से है आपको ये सारी व्यवस्थाएं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार जी। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से जी।
दिल्ली से हैं? हाँ जी। कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम 18 तारीख को यहाँ आए, हम 12 तारीख को। अच्छा, भोजन प्रसाद तो हमने देख लिया, रहने की जो व्यवस्था है? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया होती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आज बारिश भी हो रही है। दो दो कंबल ले लो, चार चार कंबल ले लो, भगवान जी के कोई भंडारे में कमी नहीं है। हाँ हाँ जी, खाइए पिए बहुत ही मस्त रहिए, भजन करिए, गंगा ही नहाइए। गेल गेल, क्या बात है। तो दोस्तों, ये है तस्वीरें प्रयागराज की। और दोस्तों बता दें कि इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2024 का आयोजन चल रहा है। दोस्तों बता दें कि यहाँ सबसे बड़ा आस्था का केंद्र होता है, और यही वह जगह है जहाँ पर दूर दराज से जो आए हुए संत महात्मा होते हैं और जो भक्तगण होते हैं उनका आत्मीय मिलन होता है। तो फिलहाल आज की तस्वीरें दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।